नमस्कार। एमपी में इलेक्शन है और इलेक्शन के लिए सभी दल अपनी नीति, नियत और नेतृत्व का परिचय देने के लिए इस समय लोगों के बीच हाजिर हो रहे हैं। हम इस वक्त लांजी विधानसभा क्षेत्र में विधायक और कांग्रेस प्रत्याशी हिना कांवरे जी के आवास पर है और आज चर्चा में हम शुरुआत करेंगे। इस इलेक्शन में अंडरग्राउंड लेवल पर किस तरह का प्रचार चल रहा है कांग्रेस की ओर से, और मध्य प्रदेश से लेकर बालाघाट की 6 सीटों पर किस तरह से वे चुनाव प्रचार को देख रहे हैं, खासकर कांग्रेस के परिदृश्य में, और एमपी से क्या भरोसा है आपको? 100% कांग्रेस की सरकार बनेगी। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने कहा है 150 सीटों से ऊपर हम जीतेंगे, और वही स्थिति निर्मित होती हमको दिखाई दे रही है। जिस दिन रिजल्ट आएगा निश्चित रूप से हमारी नेता की बात पूरी होगी। वचन पत्र की प्रमुख बातें क्या है जो जनता को अपनी ओर आकर्षित कर सकती है इस चुनाव में? देखिए, आकर्षित करने की बात नहीं है, जनता की बहुत दिनों से आस थी, क्योंकि हमारा क्षेत्र छत्तीसगढ़ से लगा हुआ है और वहाँ पर धान का रेट सरकार बहुत अच्छा दे रही है। 2800 तक में धान गया है, तो जब से कमलनाथ जी ने 2500 रुपये धान की बात कही है तो सब में एक उत्साह आ गया है। पिछले दो बार से तो लांजी की जनता कांग्रेस को जिता ही रही है, लेकिन इस बार और ज़्यादा उत्साह आ गया है। और जिस तरीके से रबी में धान की खरीदी की बात हुई है शासन करेगा, ये हमारे क्षेत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि पूरे मध्य प्रदेश में एकमात्र जिला बालाघाट ऐसा है जहाँ रबी में धान लगाते हैं, तो उसको लेकर बहुत उत्साह लोगों में है। और इस बार सबने मन बनाया है कि हम 6 की 6 सीटें जिता कर देंगे। कमलनाथ जी जहाँ भी सभाओं में जा रहे हैं वो बार बार कह रहे हैं कि ये चुनाव जो है एमपी का भविष्य तय करेगा। लगातार भाजपा सत्ता में है, भाजपा ऐसा कौन सा काम है जो नहीं कर पाई तो जो कांग्रेस कह रही है कि भविष्य तय करेगा? युवाओं का भविष्य। 19 साल की सरकार में इस सरकार ने हमारे जो युवा हैं उनके साथ जो छल किया है, जो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी है, परीक्षाएं कभी समय पर कोई परीक्षा नहीं हुई, जिस दिन परीक्षा देने बच्चे पहुंच गए दूसरे दिन पेपर लीक हो जाता है, एक इस तरह से पूरा माहौल ख़राब हो गया है। और सारे युवा आज कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दुखी है। वो लोग जो बीजेपी के मतदाता थे या परंपरागत जिनका परिवार बीजेपी से रहा है, वो सारे लोग मुझसे आकर मिलकर इस बार कहते हैं कि दीदी, हम लोग एक तरफा हमने पूरे अपने दोस्तों से बात की है कि इस बार हम कांग्रेस को ही लाएंगे, भले ही हमारे माता पिता बीजेपी को वोट देते रहे, लेकिन इस बार हम परिवर्तन करेंगे क्योंकि हमको हमारे भविष्य की चिंता है। इसलिए कमलनाथ जी इन सब बातों को कर रहे हैं। लगातार हम देख रहे हैं कि चुनाव के बीच पॉलिसियों पर चर्चा तो हो ही रही है। कांग्रेस के वचन पत्र में एजुकेशन से लेकर स्किल डेवलपमेंट से लेकर इंटरप्रीनरशिप की भी बातें आई है, महिलाओं के सम्मान की भी बातें आई है, लेकिन जिस चीज़ से दुनिया बदल रही है पल पल वो है साइंस और टेक्नोलॉजी। इसको लेकर कोई भी दल ने बड़ा फोकस नहीं किया है, क्यों चूक रह गई है? कांग्रेस ने भी इसको ज़्यादा अडॉप्ट नहीं किया है अपनी पॉलिसियों में। देखिए, अभी जो मध्य प्रदेश में जिन बेसिक चीज़ों की ज़रूरत है अभी कांग्रेस ने उन चीज़ों को लाया है, लेकिन जिस दिन कमलनाथ जी अपनी सरकार और में काम करना शुरू करेंगे, जैसे पिछले 15 महीनों में आपने देखा है कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश का एक अलग पूरे देश के मानचित्र में मध्य प्रदेश एकदम अलग दिखाई देता था, वो काम कमलनाथ जी के प्रदेश का मुखिया के रूप में काम करने के बीच आपको ये सब चीज़ें दिखाई देगी। बहुत ज़रूरी नहीं कि जो हमने घोषणा पत्र में कहा है हम वही बात करेंगे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो घोषणा पत्र में नहीं है लेकिन काम में है, हमारे दिमाग में है, हमारे कांग्रेस के नेताओं की सोच में है, तो इसका असर तो होगा ही। और कमलनाथ जी जैसा व्यक्ति जो हमारे पास इतना सीनियर लीडर है, जिनके पास 40 साल से ज़्यादा का अनुभव राजनीति का है, जिन्होंने राजीव जी के साथ काम किया है, आपके इंदिरा जी के साथ काम किया, ऐसा व्यक्ति प्रदेश का नेतृत्व करेगा तो निश्चित उन सब चीज़ों पर उसका असर पड़ेगा ही पड़ेगा जो आपको आने वाले दिनों में दिखाई देगा। एक हाउसिंग वाली पॉलिसी को लेकर लगातार लोगों में चर्चा बनी हुई है। हम देख रहे हैं कि जो यात्री प्रतीक्षालय बन रहे हैं वो भी कम से कम 1.5 से 2 लाख के बन रहे हैं। लोगों का मकान 1.5 लाख रुपए में बना रही थी सरकार, आप लोगों ने 2.5 लाख का वादा किया है ग्रामीण क्षेत्रों में भी। कितनी उम्मीद इस स्कीम से आपको लगता है और क्यों जरूरी समझते हैं आप? देखिए, कांग्रेस का जो घोषणा पत्र बना है वो ऐसे ही चार नेताओं के बीच में नहीं बैठकर बना है, वो पब्लिक के अंदर जो चीज़ें हैं, जो दिक्कतें हैं उनको ध्यान में रखकर सारी योजनाएँ बनी और वचन पत्र तैयार हुआ है। और जो शहर और ग्रामीण का जो अंतर था 2.5 लाख और 1.5 लाख का, कमलनाथ जी का कहना है कि ये अंतर हम खत्म करेंगे, क्योंकि हमारे ग्रामीणों को कोई ऐसा ना लोहा कम में मिलता ना सीमेंट कम में मिलता, जब ये सब चीज़ें उनको बराबर मूल्य पे मिलती है तो फिर उनके साथ भेदभाव क्यों? उस भेदभाव को खत्म करने की बात इसमें कमलनाथ जी ने कही है। इसके अलावा और मैं ये जानना चाहूँगा कि जो वचन पत्र जारी हुआ है उसमें बेसिक लेवल पर खासकर स्किल डेवलपमेंट के साथ साथ सोशल सिक्योरिटीज़ को लेकर क्या है लोगों के लिए? देखिए, ये सोशल सिक्योरिटी की जो बात है तो मैं इतना जानती हूँ कि कानून तो हमारे यहाँ बहुत सारे हैं, लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन कोई भी सरकार जब नहीं कर पाती है तब इसकी स्थिति खराब होती है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति तभी बिगड़ती है। और जिस दिन मध्य प्रदेश के कमान कमलनाथ जी संभालेंगे, ये सारी स्थितियाँ अपने आप वो अपने अनुभव के आधार पर सब ठीक कर लेंगे।
मध्य प्रदेश का चुनाव ऐसा माना जा रहा है कि काफ़ी रोचक होते जा रहा है दिन ब दिन। अभी 48 घंटे का समय बचा हुआ है कैंपेनिंग को, आप किस ओर देख रहे हैं इसको और कितनी उम्मीद है आपको इस चुनाव से कि वापसी करेगी कांग्रेस? मैंने कहा ना कि पिछली बार जो कमी बेसी रह गई थी, इस बार जनता ने मन बना लिया है कि इस बार इतनी सीटों का अंतर हमको रखना है ताकि बीजेपी सोच के भी ये ना सोच पाए कि हम किसी को तोड़ पाएंगे। और 150 के पार हमारे नेता ने कहा है तो हम 150 के पार तो जाएंगे ही जाएंगे। महाकौशल में 48 सीटों में पिछली बार बढ़त में थी कांग्रेस, इस बार क्या उम्मीद है आपको, कितनी सीटों पर बढ़त रहेगी? अब मैं ज़्यादा दूर की बात क्या करूं भाई, कमलनाथ जी की यहाँ एक तरफा पूरी कांग्रेस सीटें जीती थी, हमारे यहाँ भी 6 सीटें हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि 6 की 6 सीटें कांग्रेस जीतेगी। तो जब मेरे जिले की ये स्थिति, कमलनाथ जी के जिले की ये स्थिति, तो महाकौशल की भी लगभग यही स्थिति निर्मित होगी। आपको एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है इस इलेक्शन में, आप लांजी के अलावा बालाघाट जिले की अन्य सीटों पर भी लगातार चुनाव प्रचार में जा रहे हैं, क्या माहौल लोगों में देखने मिल रहा है और क्या इस माहौल के बीच आप कांग्रेस से कितनी, कांग्रेस के प्रति आपको क्या नज़र आ रहा है लोगों के आँखों में, चेहरे में खास? आपको मैं बता दूं कि हम लोग चुनाव प्रचार लगातार कर रहे हैं और जन आक्रोश रैली से मैंने इस बात को महसूस किया है पूरे ज़िले में और प्रदेश में कि एक अलग सा माहौल और एक अलग सा उत्साह है, और वही उत्साह हमको आज भी दिख रहा है। अब चुनाव को 48 घंटे बचे होने की बात आप कर रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये उत्साह और ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। जिस भी गाँव में हम जाओ या जिस भी क्षेत्र में मैं गई हूँ, ऐसा लग रहा है कि ये चुनाव कैंडिडेट नहीं, वहाँ की जनता लड़ रही है, इतना उत्साह लोगों में है। और जब पब्लिक मन बना लेती है तो फिर इसमें कोई दो मत नहीं है कि वो उनकी विजयश्री निश्चित है और शानदार विजयश्री कांग्रेस को मिलेगी। चुनाव प्रचार में हम देखते हैं कि आरोप प्रत्यारोप हमेशा एक दूसरे पर करते रहते हैं विपक्षी दल या सत्ता पक्ष, लेकिन एक बड़ा आरोप यहाँ पर आप पर भी लगा और आपने भी कुछ जवाब दिया है उसका, डबल मनी को लेकर। डबल मनी एक बड़ा क्राइसिस है यहाँ पे, कई लोगों की ज़िंदगी बर्बाद हो गई है। अपने विधानसभा तक में आपके वीडियो वायरल है, आपने बात रखी है, सरकार क्यों इस विषय पर बात करने के लिए राजी नहीं हो पाई? क्या ऐसी, इतना बड़ा हजारों करोड़ का मामला बताया जा रहा है, इसके बावजूद सरकार ने इस पर एक शब्द क्यों नहीं कहा है? सरकार कहाँ चूक कर रही है इस मामले पर? देखिए, इस मामले में सरकार की सबसे पहली चूक यही थी कि एक विधानसभा में विधायक अपने क्षेत्र का इतना बड़ा मामला 2021 में उठाता है, लेकिन उसकी सुनवाई प्रदेश की सरकार नहीं करती है, और इसलिए आज लांजी की जनता को या आजू बाजू के प्रदेशों के लोगों को इस डबल मनी से प्रभावित होना पड़ा। आप यकीन नहीं करेंगे कि इस मामले को तो क्यों संज्ञान में नहीं लिया, ये तो सरकार ही जान सकती है, बल्कि हमने तो हर स्तर पर इस मामले को उठाया है और बहुत मेहनत के बाद ये मामला CBI को सरकार भेजने पर जब मजबूर हो गई, जब उनको कोई रास्ता समझ में नहीं आया, तब जाके CBI को ये मामला दिया है। तो मुझे लगता है कि जब मामला CBI को चला गया है तो अब निश्चित रूप से हमारे लोगों से हम ये की निवेदन करते हैं कि आप कानून के सहारे से आप लोगों को आपका पैसा मिलेगा, यही हमने बात कही है सभी लोगों से। सरकार अभी तक इस मामले पर हमने देखा कि शांत ही रही, एक प्रकार से चुप्पी साध रखी है, लेकिन भाजपा ने जिसको उम्मीदवार बनाया है वो अब इस पर बोलने लगे हैं, इसके पीछे की क्या वजह हो सकती है? देखिए, पहली बात तो ये कि राजकुमार करवाहे जी का स्टैंड अभी भी क्लियर नहीं है कि वो डबल मनी को अच्छा मानते हैं या डबल मनी को बुरा मानते हैं। उनकी किसी भी स्टेटमेंट से ये बात कभी क्लियर नहीं हुई कि उनके लिए डबल मनी अच्छा था या खराब था। हिना कांवरे तो पहले दिन से स्पष्ट है कि डबल मनी कभी अच्छी नहीं थी ना अच्छी होगी, क्योंकि मेहनत का ही पैसा दुगना होता है, रखे रखे किसी का पैसा दुगना नहीं होता, और ये गलत चीज़ें, यदि आप गलत चीज़ों के तरीके से आगे बढ़ते तो उसका परिणाम गलत ही होता है। ये मैंने शुरू दिन से मैं उसी बात पर थी और आज भी हूँ। अब तो मुझे केवल इस बात की चिंता है कि कैसे हमारे लोगों का पैसा वापस हो, क्योंकि बहुत मुसीबतें हमारे लोगों ने झेली है। प्रधानमंत्री आवास की अभी हम बात कर रहे थे, लोगों ने उसकी किस्तें डबल मनी में लगा दी हैं, आज वो अपना घर नहीं बना पा रहे, उनके ऊपर दोहरी मार पड़ रही है। एक तरफ प्रशासन की तरह से दबाव बनाया जा रहा है कि यदि आपने मकान नहीं बनाया तो अगली किस्त जारी नहीं होगी, पर वो व्यक्ति कैसे मकान बनाएगा जब उसके पास पैसे नहीं है? तो ऐसे ही बहुत बुरी स्थिति हमारे क्षेत्र में है, इसलिए हमारा पूरा फोकस है कि कैसे लोगों का पैसा वापस हो, केवल हमारा इसी पर दिमाग है। इसलिए मैं जनता से आह्वान करती हूँ कि आप कानून का सहारा लो, आप जब तक कानून का सहारा नहीं लोगे तब तक आपको पैसे वापस नहीं होंगे। कानून पर तो लोग भरोसा करते भी है, लेकिन इस मामले में खासकर मैंने देखा कि कानून पर लोगों का भरोसा नहीं था, शायद यही वजह थी कि लगातार अपीलें हुई प्रशासन की ओर से, SP कलेक्टर की ओर से, उसके बावजूद लोगों की शिकायतें नहीं पहुंची। इस सबके बावजूद एक प्रतिनिधि होने के नाते इस क्षेत्र से आपको जनता ने 2 बार मौका दिया है, आप किस तरह का आश्वस्त करना चाहते हैं लोगों को, क्या भरोसा दिलाना चाहते हैं? मैंने सार्वजनिक मंच से बात कही और उसके बाद काफ़ी लोगों ने FIR की है। आज सुबह ही मैं बता रही हूँ, 4 महिलाएँ मेरे पास मिलने आई थी और उनका कहना था कि मैडम आप
आपने कहा है तो हम ये चेक लेकर आए हैं, अब हमको क्या करना है, आप हमको रास्ता बताओ। तो मैंने उनसे कहा कि आप जो है वो सीधे थाने में जाके आवेदन दो, अपने चेक को बैंक में लगाओ और चेक बाउंस की जो रिपोर्ट है वो भी आप थाने में जमा करो, ताकि जिस दिन CBI को पैसा मिलेगा उस दिन आप सबको ये पैसे आप लोगों के वापस होंगे। तो मुझे इस बात की खुशी है कि महिलाएं सामने आकर इन सब मामलों में आगे बढ़ रही हैं, तो मुझे लगता है कि हमारी बोली हुई बात का असर जनता पे होगा। और 2019 का जो कानून आया है, मैंने स्पष्ट अपने भाषणों में सभी जगह कहा है कि 2019 के कानून में जो निवेशक है, जो पैसा लगाता है, उस पर कोई कार्यवाही पुलिस नहीं करेगी। पहले डर लगता था लोगों को, क्योंकि मैं जानती हूँ कि हमारे लोग सीधे साधे वो डरते हैं पुलिस से और इन सब चीज़ों से, उनको डर लगता है। लेकिन हमने उनको इस बात को पहुँचाने में हमने मदद की है कि ये जो कानून है उसमें आपकी मदद होगी, पैसा लेने वालों के ऊपर कार्रवाई होगी, पैसा जमा करने वालों के ऊपर नहीं होगी। मैं लोगों के बीच घूमता हूँ, मैंने कई लोगों से ही इस मैटर पर खासकर चर्चा किया। लोग अपनी गलती को स्वीकार कर रहे हैं कि वे लालच में आके चले गए, लेकिन इन फ्यूचर हम देखे हैं कि लांजी में इसके पहले भी कुछ गृह निर्माण जैसी कंपनियों ने भी लोगों को लूटा, फिर इस प्रकार का बड़ा स्कैम हुआ। इन फ्यूचर और भी कुछ ऐसी कंपनियाँ आ सकती है, लोगों को जालसाजी हो सकती है। कितनी आपकी पैनी नज़र रहेगी अब आने वाले समय? बिल्कुल पैनी नज़र है, और मेरी नज़र की क्या ज़रूरत है। अब तो हमारी जनता वैसे भी इन सब डबल मनी में इतना ज़्यादा प्रताड़ित हो चुकी है कि अब वो तो कहते ना कि दूध का जला छाछ को भी फूंक कर पीता है, वो स्थिति लांजी की हो गई है। तो मुझे नहीं लगता कि अब किसी तरह की कोई कंपनी हमारे यहाँ लांजी में कभी भी इस तरह का पैर जमा पाएगी। तो पॉलिटिक्स की बातें हो गई, मैं लोगों के बीच घूमता हूँ तो एक चर्चा, खासकर आपके स्वर्गीय पिता के राजनीतिक सिद्धांतों की चर्चा आज भी मुझे सुनने मिलती है। कौन सा ऐसा उनका विचार है जो आपको काफ़ी प्रभावित करता है, खासकर लोगों को पता नहीं हो? देखिए, मेरे पिता का जीवन तो एकदम खुली किताब की तरह था, और जो उनकी सबसे बड़ी चीज़ है, सबको साथ लेकर चलना। कौन पार्टी का है, कौन पार्टी का नहीं है, कौन वोट देता है, कौन वोट नहीं देता, कौन किस जाति का है, कोई कौन अमीर है, कौन गरीब है, ये कभी उनके दिमाग में नहीं रहा। और इसी बात ने मुझे भी प्रभावित किया, और मैं भी उसी बात को लेकर आगे बढ़ रही हूँ। या आज आप जो भी क्षेत्र में मेरी उपलब्धि देख पा रहे हैं, तो शायद मेरे पिता के पदचिन्हों पर चलने की वो उपलब्धि मैं मानती हूँ। भाजपा का संकल्प पत्र जारी हुआ है वचन पत्र के बहुत बाद में, कहाँ देखते हैं आप? बहुत पिछड़ गई भाजपा अपने प्रचार में। उनको पता है कि कमलनाथ जी ने जब से 2500 रुपये धान का रेट कहा है, और कमलनाथ जी ने ये भी कहा है कि हम 2500 से शुरू करेंगे और 3000 तक लेकर जाएंगे, इसलिए उन्होंने 3100 रुपये धान का रेट कर दिया। और इस बात को जनता बहुत अच्छे से समझती है। मैंने तो पब्लिक मीटिंग में इस बात को कहा तो पब्लिक हंसती है कि 3100 क्यों की, इनको तो मालूम है कि सरकार इनकी बनना नहीं है, तो 5100 रुपये कर देना था, घोषणा ही तो करना था। वैसे भी घोषणा वीर के नाम से मामा प्रसिद्ध है, क्या दिक्कत है, 5100 रुपये कर देना था घोषणा। तो ये सारी बातें मध्य प्रदेश के लोगों को समझता है, बहुत अच्छे से सब समझते हैं, और जो उनका संकल्प पत्र आया उसकी भी सच्चाई सबको मालूम है। पिछली बार भी ये दृष्टि पत्र लेकर आए थे, क्या हुआ उसका, एक भी बात उसकी इम्प्लीमेंट इन्होंने नहीं करी, तो अब इनके पास तो कोई भरोसा ही नहीं रहा है। लोकतंत्र में जनता का मत सर्वोपरि होता है, एक वोट एक आदमी को है और एक मूल्य भी है उसका। लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे, चूँकि 17 नवम्बर को वोटिंग है हमारे मध्य प्रदेश में? मैं यही कहूंगी कि आप मध्य प्रदेश के भविष्य के निर्माण के लिए इस बार वोट करिए। और हमारे यहाँ लांजी में तो मैं जब से देख रही हूँ, मैंने इस चुनाव को पहली बार देखा, 2 बार मैं विधायक रह चुकी हूँ, पर इस बार के चुनाव में जो बात है वो मुझे पहले दोनों चुनाव में कभी नहीं दिखी। इस बार ऐसा लगता है कि लांजी की जनता जीत और हार का चुनाव लड़ ही नहीं रही है, वो तो मध्य प्रदेश में लांजी का स्थान सबसे सर्वोपरि रखने के लिए चुनाव लड़ रही है। तो मैं उनसे चाहूँगी कि आप वो अपने इस उद्देश्य पर खरा उतरे, और हमारे जो पहली बार के मतदाता हैं, जो पहली बार वोट डालेंगे, उनसे मैं ज़रूर कहूँगी कि आपका एक वोट बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए बहुत दिल पर हाथ रख के और पूरी तसल्ली के बाद आप अपना वोट जिसको भी आप पसंद करते हो आप उसको दो। और मुझे मालूम है जब आप सच्चाई को चुनोगे तो आप कांग्रेस को ही चुनोगे। लोकतंत्र में ये भी माना जाता है कि लोगों के अधिकारों के लिए डिबेट, डिस्कशन और डेलीब्रेशन बहुत ज़रूरी होता है सदनों में। खासकर सदन में हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ समय से ये चीज़ें हो नहीं रही है, तो कांग्रेस की सरकार से कितनी उम्मीद कर सकती है जनता, क्या आपका क्या मैसेज होगा इस पर? देखिए, जब तक कांग्रेस की सरकार रही हाउस बहुत चला, कांग्रेस हमेशा, क्योंकि हाउस चलाना सत्ता पक्ष के ऊपर निर्भर करता है, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की महती जवाबदारी है, लेकिन पहली जवाबदारी बनती सत्ता पक्ष की। और कांग्रेस के शासनकाल में एक साल में कब लगभग 75 बैठकें होती थी, लेकिन जब से BJP की सरकार आई है बैठकों का दौर कम हो गया, 40 के अंदर बैठकें हो गई साल भर में। ये मध्य प्रदेश की जनता के लिए नुकसानदायक है, सरकार चाहे जिसकी भी रहे, लेकिन सदन यदि नहीं चलेगा, बैठकें यदि कम होगी, तो उसका खामियाजा कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की जनता को भुगतना पड़ता है। अन्य क्षेत्रों में भी आप प्रचार कर रहे हैं, खासकर बालाघाट जिले की अन्य सीटों पर, लेकिन लांजी की सीट पर आपका प्रचार आपके कार्यकर्ता कर रहे हैं, आप थोड़ा समय दूसरी विधानसभाओं में दे रहे हैं, काफ़ी टफ फाइट माना जा रहा है, आपको किस तरह का आकलन आपने किया है अभी तक?
मुझे इतना मालूम है कि लांजी की जनता को साफ सामने दिख रहा है कि कमलनाथ जी सीएम बनने वाले हैं, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी और जिस दिन कमलनाथ जी सीएम बनेंगे लांजी किरणापुर के विधायक को बड़ी जवाबदारी मिलेगी और हमारे लांजी क्षेत्र की जनता का दिल बहुत बड़ा, उनको मालूम है कि अगर हमको कल के लिए हमारा भविष्य ठीक करना है तो आज हमको हमारा दिल बड़ा करना पड़ेगा। हमारी दीदी जब तक चारों तरफ जाएगी नहीं, घूमेगी नहीं, तो उसका लाभ लांजी को मिलेगा कैसे? अगर बड़ा सपना हम देख रहे हैं तो उसके लिए हमको काम भी बड़ा करना है और जवाबदारी भी बड़ी निभानी है, इसलिए हमारी जनता बहुत खुश है। आपका स्लाइड क्वार्ट्स में देख रहा था कि हमारी दीदी हमारा नेता और एक परिवर्तन के साथ विश्वास भी, क्या इसका मैसेज है? ये एक्चुअली ये जो सारा थॉट्स है ये सब हमारे जो कार्यकर्ता हैं, हमारी जो जनता है, उनकी तरफ से आया है। ये 50,000 पार का भी जो नारा है वो भी जनता का दिया हुआ है। इसके पीछे कुछ विचार भी है क्या? उनको यदि ऐसा लगता है कि उनकी दीदी उनसे उतनी आत्मीयता से जुड़ी हुई है तो मुझे लगता है वो उतने ही अधिकार से ये बात रखे हैं उन्होंने, तो मुझे खुशी होती है कि मतलब एक विधायक का पद जो है वो उसको लोग इतने प्रेम से और इतने विश्वास से देखते हैं। दीदी मतलब एक रक्षा का बंधन है और उस हिसाब से यदि हमारे क्षेत्र की जनता देखती तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। तो ये थी लांजी क्षेत्र की विधायक और कांग्रेस की प्रत्याशी हिना कावरे। आगे और भी हम अन्य प्रत्याशियों से इसी तरह से इलेक्शन ऑन द ग्राउंड में चर्चा करेंगे और समझेंगे उनके मन की बात और साथ में उनके क्षेत्र की बात। बने रहिए बीजीटी मीडिया के।